हाय गाइस, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं आनंद ट्रिक चैनल। तो गाइस, चौखट है इसका, सागुन की चौखट है नेचुरल। तो गाइस, इसका जो कलर है, ये दरवाजे जो ब्राउन सा शेड है इसका, इस टाइप से इसका कलर करेंगे। तो गाइस, ये चौखट का कलर अभी नेचुरल है, इसका बेसिस मैंने बना लिया हूँ सिलर इलर से, और इसमें जितना भी फिलप विलप था, पुट्टी उट्टी का जो भी था, वो मैंने सब कर लिया हूँ। तो गाइस, इस बीच में हम कलर करेंगे, आपको रेसे भी दिखाना है और ये ब्राउन भी दिखना चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरत हमको पड़ती है गाइस स्टेनर की। आप डीको भी लगा सकते हो, मगर डीको में क्या है, वो थोड़ा डार्क होता है, तो इसमें रेसे दब जाते हैं लकड़ियों के, तो हम स्टेनर बनाएंगे। तो गाइस, ये स्टेनर की डब्बियाँ हैं, आप देख सकते हो ये जो कलर है वॉलनट कलर है, ये एमआरएफ की डब्बी है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब स्टेनर बनाने का तरीका ये है गाइस, या तो आप इसको लाकदाने में बना सकते हो, या तो आप लेकर में मिक्स करके इसको बना सकते हो, या तो आप सिलर में मिक्स करके बना सकते हो। तो गाइस, जैसे एक चौखट है, तो एक चौखट में गाइस लगभग अपन को एक डिब्बी लग जाएगी। तो ये चार चौखटें हैं, चार चौखटों में हमको ब्राउन कलर करना है। तो गाइस, सबसे पहला ये स्टेनर है, स्टेनर को पहले खोल लेते हैं। इसका जो कलर आता है, ब्राउन से साइड से कलर आता है, इसका जो कलर आता है देख सकते हैं, इस टाइप का कलर आता है। तो ये काफ़ी पतला रहता है, तो इसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए आप इसमें सिलर डाल सकते हैं, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये मेरे पास पारा लेक का सिलर है, आप सिलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने अनुसार। तो इसमें जो सिलर की मात्रा है वो थोड़ी कम रखना है। जैसे ये डब्बी है, 100 ml की डब्बी है, 100 ml की, जैसे दो चौखटे हैं, एक चौखट में 100 ml लग जाएगा, तो दो चौखटों में 200 ml, तो चाबी देंगे राजा। आपको 300 ml सिरा डालना है इसमें, और थिनर आप अपने हिसाब से मार सकते हैं, आप थोड़ा मोटा माल मार रहे हैं या फिर आप थोड़ा पतला कर रहे हैं। तो मेरा जो चौखटों का बेस है, ये बढ़िया बेस बन चुका है, तो इसमें पतला ही लगाएंगे हम। 200 ml की डब्बी हो गई अपनी स्टेनर की, और 300 ml इसमें सिरा डाल दिया हूँ, तो इसमें गाइस में थोड़ा पतला ही बनाऊँगा। ये लगभग मैंने 500 ml इसमें थिनर ले लिया हूँ, तो ये अपना हो गया गाइस 200 ही हो गया। ये पूरा एक लीटर करीबन ये बन चुका है। तो गाइस, अब इसमें अभी ये बन के तैयार है, इसका ब्राउन शेड ये आ चुका है, हमको पतला ही पतला इसमें मारना है, तो मैं मार के दिखाता हूँ आपको, बंद करता हूँ। तो गाइस, ये हमको पहले इसमें कपड़े में छना लेना है, स्प्रे करते समय गाइस हमको हर चीज़ कपड़े से छना के ही डालना है, क्योंकि इसमें जो डस्ट स्पॉट रहता है उसमें आ जाते हैं। तो गाइस, इसमें मैंने छना लिया हूँ, चलो।